हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और मटर भी आने लगे हैं, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ आलू मटर का पराठा। तो उसके लिए मैं ली हूँ लहसुन, अदरक, एक टमाटर, आधी कटोरी मटर और उबले हुए आलू ली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। जब सरसों तेल थोड़ी गर्म हो जाए तो उसमें एक चम्मच लहसुन डाल देंगे, उसको थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद आधी छोटी चम्मच अदरक है वो डाल दूँगी मैं, और उसे भी थोड़ी भून लेंगे। उसके बाद एक टमाटर ली हूँ जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, उसको भी मैं डाल के उसको भी चला लेंगे। और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी काले मिर्च डाल के इसको चला लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, और आधी कटोरी मटर जिसको मैंने धो के रख लिया है उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको भून लेंगे। सब धीमी आंच पर ही करेंगे, और जब तक मटर हमारी भून रही है तब तक आलू छील लेती हूँ मैं। आलू मेरे छिल गए हैं, अब इसको मैं हाथों से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर के से भी आप अच्छे से मैश कर लीजिए आलू को। इसमें बड़े बड़े टुकड़े ना हो, अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। हमारी मटर भुन गई है तो उसमें मैं ये आलू डालकर इसको भी अच्छे से भून लूँगी। सब मीडियम नहीं, एकदम लो आँच पर ही इसे फ्राई करिएगा, जिससे कि मसालों का टेस्ट बना रहता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च, तो हमारी ये आलू मसाला भुन गई अच्छे से। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और इसको चला लूँगी थोड़ी सी। तो ये हमारा आलू मटर का मसाला रेडी है। अब आटा गूँथ लेते हैं। अब मैं आटा ले लेती हूँ और उसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल के थोड़े थोड़े पानी की सहायता से आटा गूँथ लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे। तो मैंने आटा गूँथ लिया है, देखिए ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसकी मैं एक लोई लेती हूँ और उसे हाथों से ही गोल आकार दे के थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें आलू भरेंगे। आलू ज़्यादा नहीं भरिएगा, मीडियम ही भरिएगा, और उसको भर के अच्छे से हाथों से गोल गोल घुमाते हुए आलू को नीचे से दबाते हुए अच्छे से उसको उसका मुंह अच्छे से पैक कर देंगे, ताकि हमारा आलू निकले नहीं। देखिए इस तरह से मैंने आलू भर लिया है, देखिए एकदम नहीं निकला है। अब इसको थोड़ा सा आटा लगा के बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो आलू हमारी निकल जाएगी। तो देखिए एकदम हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ, आप भी इसी तरह बेलिएगा। तो ये पराठा अच्छी तरह से बेल गया है। अब मैं इसे तवे पर चढ़ा देती हूँ। तवा मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गैस पे, जब एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ मैं पलट दूँगी। और उसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास घी होगा तो आप घी भी लगा सकते हैं, या तेल हो रिफाइंड ऑयल तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने एक तरफ लगा लिया, अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी बटर को लगा देंगे। देखिए बटर अच्छे से लग गई, आप इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसे लो आंच पर ही सेकेंगे, ताकि ये कुरकुरी सी बने। तो हमारा ये आलू पराठा रेडी हो गया, अब इसे सर्व करते हैं। मेरे पास रैबिट की एक थाली थी तो मैं उसी में सर्व कर रही हूँ। तो एक चम्मच मैंने दही डाला है, एक तरफ थोड़ी सी हरी चटनी डाली हूँ,
और आलू पराठे को मैं चाकू की सहायता से चार हिस्सों में काट रही हूँ। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी काट सकते हैं। और इसको मैं रख दी एक तरफ और दूसरी तरफ, और थोड़ी सी टोमेटो केचप भी मैं डाल दे रही हूँ। तो हमारा आलू पराठा तैयार है, खाइए और खिलाइए।